हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं स्लो चार्जिंग के बारे में। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन स्लो चार्ज हो रहा है तो आप उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर से करना। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं क्यों आपके फ़ोन के ऊपर जो है स्लो चार्जिंग देने को मिल रहा है, उसके बाद बात करने वाले हैं आप किस तरह से जो स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले जो भी आप डेटा केबल की यूज़ कर रहे हो, जो भी आप चार्जर के यूज़ कर रहे हो, जो भी आप चार्जिंग केबल की यूज़ कर रहे हो, अगर आप अच्छे से जो है प्रॉपरली अगर जो है प्लग नहीं करोगे तो अब जो है आपको स्लो चार्जिंग देने को मिलेगा। तो मेक श्योर करना जो भी डेटा केबल है और जो भी चार्जिंग केबल है उससे अगर आप प्रॉपरली प्लग करोगे जो है स्लो चार्जिंग का जो इशू है देने को नहीं मिलेगा। अगर आपके डिवाइस को जो है स्लो चार्जिंग हो रहा है, अगर आपका डिवाइस जो है चार्ज नहीं हो रहा है तो सिंपली जो USB पोर्ट है इसे आप चाहो तो क्लीन कर सकते हो। तो इसे जो है अगर इसके ऊपर जो है कोई भी डस्ट हमें देने को मिलता है तो जो है चार्जिंग काम नहीं करता। तो मेक श्योर ये जो USB पोर्ट है इसे आप जो है क्लीन कर लीजिएगा। इसके साथ जो है आपको कोई भी स्लो चार्जिंग का और अगर आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है तो सिंपली जो है क्लीन करने के बाद ये जो चार्जिंग का इशू है दोस्तों फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है चार्जिंग के साथ जो है सबसे जो मेन दिक्कत है वो है दोस्तों टेम्परेचर। अगर आप जो है फास्ट चार्जिंग को यूज़ करोगे, 120 हर्ट्ज का फास्ट चार्जिंग और 67 वाट का जो फास्ट चार्जिंग अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो फोन है उसको गर्म होगा, प्लस आपका जो चार्जर है गर्म होगा। अगर आप फास्ट चार्जिंग को यूज़ करोगे तो थोड़ा सा जो है आपका जो फोन है जो है हीट होगा। अगर आपका फोन हीट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो फोन है स्लो चार्ज होगा। तो जो है यहाँ पर हीटिंग की वजह से जो है आपको यहाँ पर स्लो चार्जिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप फोन को यूज करते करते जो है चार्जिंग करोगे तो आपका जो फोन है ऑफकोर्स चार्ज स्लो होगा, ये चीज भी आपको ध्यान में देना होगा। अगर आप फोन को चार्जिंग में प्लग करके फोन को यूज करोगे तो डेफिनेटली चार्जिंग जो है यहाँ पर स्लो हो जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान में देना है। फोन अगर आप चार्ज करते हो तो चार्ज ही करो, फोन की यूज मत करो। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्जर के बारे में। अगर आपका चार्जर खराब हो गया है ना, अगर आप जो है एक पुराना चार्जर की यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो है चार्जर को चेंज करना होगा। मेनली जो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्लो चार्जिंग का इशू है दोस्तों चार्जर की वजह से हमें देने को मिलता है। तो अगर आप चार्जर को चेंज करोगे, दूसरा कोई चार्जर की यूज़ करोगे अपने फ्रेंड का और किसी भी का, तो अगर आप दूसरा कोई चार्जर की यूज़ करोगे तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चार्जर को अगर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका जो फोन है उसको स्लो चार्ज नहीं होगा, नॉर्मली चार्ज होगा। एज वेल और एक जो इशू है दोस्तों है बैटरी का। अगर आपका फोन बहुत ही पुराना है तो डेफिनेटली जो बैटरी है वो भी काफ़ी पुराना हो गया है, तो डेफिनेटली अगर आप बैटरी को रिप्लेस करोगे और चेंज कर दोगे तो आपके फोन के ऊपर जो है फास्ट चार्जिंग और जो नॉर्मल चार्जिंग है देने को मिलेगा, स्लो चार्जिंग नहीं होगा। बैटरी अगर पुराना होगा तो आपका जो फोन है उसको स्लो चार्ज हो सकता है। प्लस मेन जो ये जो स्लो चार्जिंग का इशू है देने को मिलता है चार्जर की वजह से, अगर आप चार्जर को चेंज कर दोगे रिप्लेस कर दोगे, एज वेल जो डेटा केबल है इसे अगर आप चेंज करोगे रिप्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर जो है स्लो चार्जिंग का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। ये जो स्लो चार्जिंग का इशू है इसे फिक्स करना चाहते हो तो सिंपली जो चार्जर है, जो डेटा केबल है और जो चार्जिंग केबल है इसे आपको चेंज करना होगा। दूसरा जो चार्जर और केबल है उसके साथ चार्ज करके देखो, ये जो स्लो चार्जिंग का इशू है फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। अगर फिर भी फिक्स नहीं हो रहा है तो सिंपली आपको जो है आपके फोन के ऊपर नया वाला जो बैटरी है उसे आपको चेंज करना होगा। आपके फोन के ऊपर जो बैटरी है उसे आपको रिप्लेस करना होगा, उसके साथ जो है आपके फोन के ऊपर जो स्लो चार्जिंग का इशू है वो फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। एंड आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के सेलेक्ट कर देना। मेनली जितने भी स्लो चार्जिंग के इशू है दोस्तों यहाँ पर चार्जर एंड जो केबल है इसके वजह से होता है। तो अगर आप चार्जर एंड केबल को चेंज करोगे तो ये जो स्लो चार्जिंग का इशू है फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।